न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। खबर नसरुल्लागंज से, बीजेपी ने किया कांग्रेस का पुतला दहन, पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का लगाया आरोप। नसरुल्लागंज पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के त्रिस्तरीय चुनावों में आरक्षण के पर रोक के बाद प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों में पिछड़ा वर्ग को अपना बताने की होड़ लगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसी क्रम में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के आह्वान पर आज नसरुल्लागंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्गा मंदिर चौराहे पर कांग्रेस के तीनों प्रमुख नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व दिग्विजय सिंह सहित विवेक तनखा का पुतला दहन किया गया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई। नसरुल्लागंज से एमपी न्यूज कास्ट के लिए फिरोज खान की रिपोर्ट। हम गए थे क्या कांग्रेस की स्टे कराने के लिए? कौन गया कांग्रेस की? और करते खुदे और फिर नाम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लेते हैं तो ये तो निंदनीय है। इसलिए पुतला दहन किया, इसलिए आज यहाँ पिछड़ा वर्ग के हमारे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन। ठीक है।